पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रुचि खुराना, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ से, महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो मुझे अमरलता सागवान जी और समिष्ठा मुखर्जी मैम के थ्रू यहाँ की ब्लॉक प्रेसिडेंट पद घोषित किया गया है। मैम, जो आज आप परमानंद के गुरु रतन सिंह अखाड़े व्यायामशाला में दंगल में आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि ये जो दंगल है, ये यहाँ दंगल पिछले 10 साल से मेरी शादी नसीब से मैं देखती आ रही हूँ, और इतनी टीम के साथ, इतनी एफिशिएंसी के साथ ये लोग दंगल करते हैं, जिसका मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मेहनत लगती है, तो बहुत अच्छा है। मैम, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप तीनों का स्वागत किए और देन आपको तो वो भी मिले, ट्रॉफी भी मिले, तो ये कैसी फीलिंग है आपकी? ये बहुत, हम तीनों के लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। हम तीन, ये पूजा जी और ये प्रिया जी हैं जो मेरे साथ यहाँ की सहायक हैं, तो हमें बहुत, तीनों को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बुला करके ऐसे यू नो हमें सम्मानित किया जाना, उसके लिए भी धन्यवाद करूँगी मैं रतन सिंह जी का। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2018 जैसे चंद दिनों में खत्म होने जा रहा है और 2019 में हम नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों किस अंदाज में हैप्पी न्यू ईयर कहेंगी? मैं अपने क्षेत्रवासियों को और कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत यू नो दिल के साथ बधाई दूंगी कि उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, कोई दुख ना आए, और खूब यू नो पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनका नया साल आए। मैम, मैं अपना आखिरी सवाल पूछकर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी कि आज आप जिस अखाड़े में आए हैं वहाँ के बहुत सारे पहलवान हैं जिन्होंने इस दंगल में पार्टिसिपेट किया, तो इस दंगल के पहलवानों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देते हैं? मैं उनकी एनर्जी लेवल के लिए जोर से ताली बजाऊंगी कि बहुत बहुत अच्छा है। दंगल हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, तो ये खेलना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बधाई और बहुत अच्छा आगे और आगे करेंगे। सर, जो आप आज परमानंद कॉलोनी में रतन सिंह अखाड़े में आए हैं और जो यहाँ 18वां विशाल इनामी दंगल किया गया, उसको आप कैसा कैसे डिफाइन करते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है आकर यहाँ? खुशी है, उसे पुराना जुड़ा रहा हूँ, और राजीव जी की याद में इन्होंने खुशकियाँ कराई हैं, इसमें खलीफा है, रतन खलीफा है और बिट्टू जी है, सबने इसे आयोजित किया है, जगह जगह से जो हमारे पहलवान है, जो कुश्ती बड़ी इम्पोर्टेंट कुश्ती है, वो सारे जमा है, इससे निकल के हमारे बहुत सारे जो खिलाड़ी है, सर मेरा सवाल, सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आजकल जो पहलवान है वो नशाखोरी के आगे जाते रह रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? हम तो पहले भी कहते हैं कि नशाखोरी दूर रहनी चाहिए, सप्लीमेंट वगैरह जो है ये एक तरीके से बॉडी के लिए जहर है, ये दूध बादाम की पहलवानी करो, ये सप्लीमेंट जो टैबलेट है ये नहीं लेने चाहिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पहलवानों को नव वर्ष की शुभकामना किस अंदाज में देना चाहेंगे? नव वर्ष की ये शुभकामना है कि दिल्ली में मैं जब से एक साल में चीफ पैटर्न बना हूँ दिल्ली रेसलिंग का, मैंने 20 दंगल करा और 80 लाख रुपए खर्चे मैंने एक साल में, सारी दुनिया जानती है मीडिया, अब भी जो 2019 में मैं 18 दंगल कराने जा रहा हूँ, जनवरी में दिल्ली केसरी, मार्च में गुरु हनुमान गोल्ड कप, फरवरी में भारत केसरी, फिर बाल केसरी, फिर हिंद केसरी, फिर मेरे आदर्श तो जयप्रकाश अग्रवाल जी खड़े मेरे भाई हैं, इन्होंने जो मेरे को शिक्षा दी, मैं राजीव जी के भी गया, इनके साथ इंदिरा जी के भी गए, फिर हमारे गुरु जी से बहुत प्यार था, गुरु हनुमान जी से, हम इंदिरा जी के जाते थे, राजीव जी के जाते थे, संजय जी के जाते थे, बहुत प्यार रहा और इन्हीं की शिक्षा के आगे मैं दंगल करा रहा हूँ, भाई साहब ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है और जिंदगी भर देते रहेंगे। सर, आप अपने सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों किस अंदाज में नव वर्ष की शुभकामनाएं देना पसंद करेंगे और पहलवानों को क्या मैसेज देंगे स्पेशल आज के दिन? तो कांग्रेस वालों को ये संदेश है कि जैसे हमारे पहलवान खूब सारे मेडल जीत के लाते हैं, ऐसे 2019 में हम भी मेडल जीत के लाएंगे और निश्चित तौर पे जो चीजें कमियां रहेगी उन्हें पूरा करेंगे। थैंक यू सर। भारतीय न्यूज पेपर से हूँ, यहाँ का सेक्रेटरी रहा हूँ, अध्यक्ष पद दे रहा हूँ, और आज ये जो मैंने दंगल कराया है तो मैंने पूर्ण सहयोगदान और हर साल कराना चाहता हूँ, मेरा मन रहता है इस प्रकार धार्मिक कार्य होते रहे, पहलवान हमारे करें, पहलवान हमारे आज देश के अंदर खिलाड़ी बच्चे जो चल रहे हैं, इस हिसाब से अगर हम दंगल कराते रहेंगे तो ये जो पहलवानों का उत्साह बना रहेगा, हर साल हमारा ये दंगल होता है उसमें सभी मेरे साथियों का सहयोग और उन लोगों का प्यार रहता है, और सभी अलग अलग क्षेत्र से, राजस्थान से भी पहलवान आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी पहलवान आते हैं, उन सभी आए हुए पहलवानों को मैं धन्यवाद
भी देना चाहता हूँ। मेरे पूर्वोत्तर अखाड़े मेरे अखाड़े में आते हैं मेरे पहलवान और हम इन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। खाने की भी का पहलवान की उचित व्यवस्था भी होती है और जो भी यहाँ आते ठहरते हैं उनके भी रहने की व्यवस्था होती है। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि हमारा दंगल बना रहे, सबका सहयोग बना रहे। हमारे जैसे रवि पहलवान है, सुनील पहलवान जी है, रतन गुरु जी है, जस्सा पहलवान जी है, राजा पहलवान जी है, सुरेश पहलवान जी है, मेरे सारे परम मित्र और मेरे बड़े भाई रतन पहलवान जी मेरे गुरु समान है, राजीव चौधरी जी हैं और इन सब जो हमारे बीच में अभी आए सभी भाई मित्रों का मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों। और इस प्रकार से प्रोग्राम एक क्वेश्चन है, ये जो नई युवा पीढ़ी आ रही है ये नशे की तरफ जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे दोस्त, मुझे इस प्रश्न से बड़ी खुशी हुई है कि मैंने न्यू युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि ये नशा जो आज तक पीढ़ी कर रही है ये अपनी जीवन को बर्बाद करना कर रही है एक तरह से। इनके मैं कैंप भी लगाता हूँ, कई बार कैंप भी लगाता हूँ, जैसे मैंने मुखर्जी नगर भी कैंप लगाया था नशा मुक्ति करने का, कैंप भी लगाता हूँ कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कि ये एक जहर है जो नशा कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी कर रही है एक तरह से जहर का यूज कर रहे हैं नशा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को कि नशा ना करें और अपना जीवन को एक अच्छे जीवन करें। परंतु इस पीढ़ी से मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, आने वाली पीढ़ी अगर मेरे भाई सुन रहे हो तो नशा ना करें और अपना जीवन बनाएं, पहलवानी करें, विदाम खाएं, जो नशे में आप खर्च करते हो वो पहलवानी में करें, विदाम खाएं, दूध पिए, नशे के लिए भी पैसे वेस्ट करते हो अपना पैसा वेस्ट ना करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और कभी नशा ना करें जीवन में। आज हम इस प्रकार से पहलवान हैं, साल के हो गए हम, दंगलों में रहते हैं, दंगल खेलते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती, शरीर में ताकत बढ़ी रहती है, हौसला बुलंद रहता है हमारे पहलवानों का। इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि कोई भी पहलवान न्यू पीढ़ी दंगल ना करे और नशा ना करे। सॉरी, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी नया साल आ रहा है ये आप अपने पहलवानों को NSP न्यूज़ की तरफ से किस अंदाज में पहलवानों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहोगे? मैं NSP न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने और इस बच्ची का भी आपका भी इन्होंने आपने हमारे अखाड़े में आकर कीमती समय दिया, अपना टाइम दिया और उसका धन्यवाद, पहलवानों को भी धन्यवाद। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि सबका जीवन रहे और नशा मुक्ति रहे, नशे से दूर रहे मेरा आने वाले सारे पहलवान, जो भी मेरे पहलवान आए हुए हैं इनका मैं सबका हार्दिक धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। सर, आपने ये जो आज आयोजन करवाया इसके पीछे क्या उद्देश्य है और कब से आप करवाते आ रहे हैं दंगल? मैं इस दंगल को 18-20 साल से लगातार करा रहा हूँ राजीव जी के आदमी, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा था और हिंदुस्तान में पूरे विश्व में शोर है जो गरीबों का मसीहा था और नौजवान राजीव जी यहाँ के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए थे उस समय, जो कि उन्होंने कुर्बानी दी इस देश पे, आज तक किसी ने अपने देश पे कुर्बानी नहीं दी, जो कि हमारे इसीलिए दिल में बसे हुए हैं। राजीव जी, हम किसी पार्टी का वोट नहीं करते और किसी का, हम सबको एक बराबर समझते, मगर देश के ऊपर जिसने अपने बच्चे उच्चे भी सब छोड़ दिए और उन्होंने कुर्बानी दी है, इसलिए उनकी कुर्बानी को हम हमारे बीच में हरियाणा फिल्म के हीरो। सर, जो आज का 18वां इनामी दंगल हुआ है उसमें कहां से लेकर कहां तक इनामी दंगल रहा है, कितने रुपए से कितने रुपए तक स्टार्टिंग रही है? इसमें हमने शुरू से 21 रुपए से लेके और 1,00,000 रुपए तक के इनाम रहे, कितने जिसमें हम मेरा बेटा प्रमुख जी है उनका सहयोग है और उनका प्रशांत रोटकी का बब्बू खलीफा ये, और हम हर साल मेरे पास जो पैसे इकट्ठे होते हैं मैं दंगल करा देता हूँ। कितने पहलवान आए होंगे इस दंगल में? इस दंगल में कम से कम 700-800 पहलवान जो है उन्होंने भाग लिया। सर, जैसे कि आपको पता है भी चंद दिनों के अंदर हम 2019 में प्रवेश कर जाएंगे, तो 2019 में पहलवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया चैनल्स के थ्रू? मैं कहता हूँ, शुभकामना देता हूँ मैं पहलवानों को, सबको आगे बढ़े, मेरे देश के लिए मेडल लाए और जो कि हमारे देश का पूरे विश्व में नाम है। आप खुद एक पहलवान रहे हैं और आपके जो पहलवान हैं उनमें क्या एक फर्क नजर आ रहा है आपको? देखो, हमारी जो पहले की पहलवानी थी आज से 70 साल पहले की, उसमें हम पैसे को नहीं देखते थे, उसमें हम इज्जत को बहुत देखते थे और नशे को छुटवाते थे और नशे के जो है नशे से हम बच्चों को बचाते थे, पीड़ित खत्म हो जाते थे। पहलवानी की एक उम्र कितने साल से पहलवानी स्टार्ट करनी चाहिए, सभी सही उम्र क्या होती है? देखियो, पहलवानी की तो कोई समय नहीं है, शुरू से बचपन से लेके और बुढ़े तक, घोड़ा और पहलवान कभी बुढ़ा नहीं होता। सर, जैसे कि प्रशांत रोहतगी की बब्बू खलीफा जी है, हाँ, वो कुश्ती में काफी योगदान करते हैं, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से उनको सम्मानित करा जाना चाहिए? देखो, उनको तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया सम्मानित करा दे,
द्रोणाचार्य का अवार्ड भी मिलना चाहिए उनको, जो कि इतने बच्चों को कुश्ती लड़ा लड़ा के नशे से पीड़ितों से हटा रहे हैं और पैसे अपने पास से खत्म कर रहे हैं। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपका रतन सिंह से लेकर रतन सिंह पहलवान तक बनने का सफर कैसा रहा? मैं बचपन से रतन के नाम से मैं फेमस था, मेरे गुरु जी थे वहाँ पे और उनके बेटे शिष्य थे जो उस्ताद दीपा थे मेरे, जिन्होंने जो कि मेरे को ऐसा बढ़ाया। 7 साल का मैं छोटा था और आज मैं 71 साल का हो चुका हूँ। तो मैं और हर एक चीज पहलवान की थोड़े से देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे देश के अच्छे अच्छे मेडल लाए। धन्यवाद सर। इस आयोजन के बारे में आपको क्या कहना है? इस आयोजन के बारे में मेरे गुरुजी गुरु रतन सिंह ये हर साल यहाँ पे 18वां दंगल हर साल यहाँ पे कराते हैं। हम तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के सहयोग से इनके साथ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। पहलवानी है हमारे यहाँ पे जो पहलवानी है हमारे गुरु जी का जो आदेश है हम भी गुरु के आदेश का सर्वोपरि पालन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पहलवान अगर हम दंगल कराते रहेंगे तो हमारे पहलवान हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान का विदेशों में नाम रोशन कर देंगे, इसलिए हम पहलवानी को बढ़ावा देते हैं गुरु जी का आशीर्वाद। सर जैसे कि आज के टाइम में भी लड़कियों के साथ भेदभाव करा जाता है, लड़कों को हर जगह पे आगे किया जाता है, तो अब इस भेदभाव को खत्म करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के बारे में हम लड़कियों और लड़कों के बारे में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कों से बहुत ही आगे हैं। इसलिए हम और हमारी कुश्ती रेसलिंग एसोसिएशन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रही है आगे, क्योंकि लड़कियां ही हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, लड़कियां ही मेडल ला रही है। इतने हमारे लड़के मेडल नहीं ला रहे जितनी हमारी लड़कियां मेडल लेकर आ रही है, जितनी बिटिया हमारी मेडल ला रही है। हम इसलिए अपनी बिटियाओं को अपनी लड़कियों को सबसे आगे योगदान देकर आगे रखते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है तो इसमें क्या है कि बच्चे खेल की तरफ कम ध्यान देते हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप में कंप्यूटर में ज्यादा लगे रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन बच्चों को हम संदेश देते हैं बेटे मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज है, आप इससे बच के रहिए, अपना खेल में और पहलवानी में अपना समय बिताइए, उसमें ध्यान दीजिए। हम बच्चों को हमारे बीच में संजय जी आप इस दंगल में आए, क्या कहना है आपका इस दंगल के बारे में? बेहतरीन दंगल, ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आयोजकों को और यहाँ पधारे हुए सभी पहलवानों को खलीफाओं को, बहुत बेहतरीन दंगल है ये, दिल्ली की शान है ये दंगल, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और जिसमें बब्बू खलीफा जी जिन्होंने हिंदुस्तान की कुश्ती को एक नया सवेरा दिया है, जन जन के प्रिय खलीफा जी ने कुश्तियों को संजीवनी देने का काम किया है जब से इनको दिल्ली कुश्ती का संरक्षक बनाया गया, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। ऐसे विशाल ऐतिहासिक दंगल होने चाहिए, वो जो राजीव जी के नाम पे किया जा रहा है, जिन्होंने हिंदुस्तान की 21वीं सदी के जो जनक रहे हैं, जो आज खनन उनकी आवाज सुनते हैं, जो कंप्यूटर देखते हैं, वो सब राजीव जी की देन। जैसे कि आपने बब्बू खलीफा जी के बारे में बोला, वो सारे दंगलों के आयोजन में भाग लेते रहे, तो आपको क्या मानना है कि सरकार की तरफ से उनको सम्मानित करा जाना चाहिए? ऐसी शख्सियत को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति अपने कर कमलों से सम्मानित करें, जिन्होंने कुश्ती जगत को एक नया स्वरूप दिया है। और मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बब्बू खलीफा को वो सम्मान शिखर देना चाहिए। जैसे कि आपने पिछली बार उनके जन्मदिन पे कहा था कि हम चाहते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाए, तो उसके बारे में आप बताइए कुछ। अभी देखिए काम चल रहा है, अभी मैं किसी दूसरी फिल्म में व्यस्त हूँ, अभी अप्रैल के बाद में गुरु हनुमान जी की पूरे जीवन पे एक फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार होने लग रही है मुंबई में, जिस पे हमारा पिछले 2 महीने से काम चल रहा है, और इस विषय पर चर्चा करके गुरु हनुमान जी के नाम से एक मूवी बनाई जाएगी जिसमें पहलवानों को पूरा श्रेय दिया जाएगा, उसमें नेचुरल पहलवानों को शूट के लिए बुलाया जाएगा और 50% उसकी शूट दिल्ली में की जाएगी। नए साल के अवसर पे आप देश के युवाओं को और पहलवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ढेर सारी शुभकामनाओं युवाओं को, उस स्पोर्ट्स के मैदान में जाएं जहाँ हिंदुस्तान की सरकार हाथ फैला के उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, और किसी भी स्पोर्ट्स को वो एक बार ग्रहण करने के बाद उसी में अपना भविष्य अर्जित करें। ढेर सारी शुभकामनाएं उन सब स्पोर्ट्समैनों को जो आज कुश्ती के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनको दिन रात मेहनत करनी चाहिए, मैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी अगली फिल्म कौन सी और कब आ रही है? अभी मेरी आने वाली मूवी चंद्रशेखर आजाद है जो मई और जून में होगी, स्क्रिप्ट पे लगे हुए हैं, मुंबई में हमारा शेड्यूल चल रहा है शूट का, इसके बावजूद अजमेर, बैंकॉक, दुबई और ब्राजील के अंदर हमारा शूट किया जाएगा।
गुरु जी सर आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। बैजनाथ दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हूँ। ठीक है। और अभी 25 तारीख 25/11 को हमने दंगल कराया है। अरे कल्लू खान जी कहाँ गए माले? पहलवान जी एक मिनट गोल्डन जुबली सर जो आज दिल्ली के रतन अखाड़े पर रतन व्यायामशाला अखाड़े पर 18वां इनामी दंगल हुआ है उसमें आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर आप पहलवानों को नव वर्ष की किस अंदाज में शुभकामना देना पसंद करेंगे? इस साल में भाई हम सारे भारतीय वाल्मीकि महासभा की महिला मंडल अध्यक्ष और एक और संगठन है अखिल भारतीय मजदूर परिषद मैं महिला मंडल अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है आपके पहलवानों की रुचि मेरा खून में ही है क्योंकि मेरे पापा जो है वहाँ भी पहलवान जी सोनीपत से वो भी बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं नेशनल लेवल पे पहलवान रहे। दूसरा है रतन पहलवान जी जिनको मैं भतीजी हूँ। तो ये आपको कैसा लग रहा है पहलवानी में? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पहलवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे ना उसके सप्ताह में किस अंदाज में दोगे? मैसेज देना चाहूँगी खासकर जो वाल्मीकि समाज के बच्चे पहलवानी में आगे बढ़ रहे हैं नशा को छोड़ के चरस गांजा जो बच्चे पीते हैं इसको छोड़ के पहलवानी की तरफ आगे बढ़े।
दोनों जंगी पहलवान अपनी जान की बाजी लगाकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। दोनों पहलवानों ने सांस रोककर पहलवानी के कर्तव्य दिखाए हैं और दोनों पहलवानों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुरु रतन अखाड़े पहलवान ने दूसरे पहलवान को जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो अपना बचने की कोशिश की है। गुरु रतन का पट्ठा ऊपर है, पहलवान जी ने अपने पट्ठे को बचने के और दूसरे को चित करने के अचूक दाव सिखाए हैं जिनका कोई दौड़ नहीं है। और इन पहलवानों ने अपने दाव पेच से अखाड़े की जो सुस्ती थी वो दूर करी है। हम दोनों पहलवानों का हौसला अफजाई करते हैं। दोनों पहलवान कप्तान जंगी टक्कर है दोनों पहलवानों की। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, दिल्ली के बेताल बादशाह, किसी भी क्षेत्र से जाए उसी क्षेत्र में। हेलो, एक मिनट, देखिए यह थारमा दंगल की ज्योति परचम बिट्टू की अध्यक्षता में और हमारे जेपी अग्रवाल जी जो कि मुख्य अतिथि है। हम एक मिनट रुके भाई, देखिए मैं बचपन से ही हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ रहा हूँ और संजय और राजीव जी के साथ जहाँ अजमल का पार्क रहते थे, और हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी के पिताजी जो थे वो शुरू से कांग्रेसी थे और इन्होंने भी जो है चाहते इसको सारे इसको गाड़ी में बग देते थे, कहता बिट्टू भाई इधरा, ऐसा नेता नहीं मिलेगा किसी को। और भाई मैं हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा करता हूँ आज राजीव जी के हम इकट्ठे रहे और आज हमारे तीनों शेर और हमारी शेरनी चली गई तो हम कुछ कह नहीं सकते। वक्त उड़ गया, अब बिट्टू और बब्बू प्रशांत ने ये एक हफ्ते के अंदर दंगल कराया और बिट्टू भाई से मैंने बात करी तो बिट्टू भाई बोला होगा जेपी साहब जी आएंगे और मैं जन मन धन से और जान भी हमारी कुर्बान हो जाए तो कांग्रेस को नहीं छोड़ा। और अभी आई हूँ, आई देर नहीं है 19 में आई, अभी हम ये सेरा जेपी अग्रवाल जी के फेर बोले दिल्ली प्रदेश और दिल्ली को संभाले बबू जो मुझे वो दिन याद है जब हमारे बीच में बहुत कीमती समय की बात है भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाई सुरेंद्र पाल बिट्टू जी आशीर्वाद देने पहलवानों को और राजीव जी के पुण्यतिथि में जो दंगल गुरु नेतन हर साल इसी जगह में कराते हैं, 18वां दंगल है ये और भंडारे का भी आयोजन बहुत अच्छे ढंग से होता है। हर साल जब राजीव जी की पुण्यतिथि होती है तो उसके अंदर गुरु रतन जी श्रद्धांजलि समझो या दंगल समझो, वो हर साल बहुत बढ़िया बढ़िया दंगल कराते हैं। वो आते देख पारी दो लड़कियों की कुश्ती थी आप साथ हो जाओ, आप साथ हो जाओ और भी आगे आ जाओ एक मिनट जा भाई एक बार सिर्फ थोड़ा सा बहुत बढ़िया बुला लेना दोनों पहलवानों को ले ले आगे आगे हो गई जरा जरा बेटे आइए और कहां तो से जाए पहले नहीं आगे होगी 2100 रुपए के लिए रजिया दूसरी लड़की पर दूसरी पहले नहीं आगे हो रही रजिया एक बात मिलो लड़की पर दूसरी ने आओ बेटा आओ बहुत बढ़िया ये बार जोरदार से तालियां बजा दो भाई पूजा करो बताऊ रतन जी खड़े में शायद एक बार नहीं अब 20 बार याद है कॉर्पोरेशन मेंबर भी क्या हम आगे उम्मीद करते कि एमएलए भी बनोगे तो आशीर्वाद के रूप में आप अपना यहाँ पर दीदी पहलवानों को और अखाड़े को पूजा मदान जी हमारी निगम पार्षद आप सभी को 18वें दंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रतन पहलवान जी को तो डबल होनी चाहिए। अभी वो मुझे बता रहे थे कि संजय जी यही खेल के बड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया से तो मुझे तो रतन पहलवान जी सर उनके साथ मुझे भी डबल डबल पढ़ाई होनी चाहिए ना होनी चाहिए तो मैं चाहती हूँ ये जैसे 18वां दंगल इस बार हो रहा है
ये सालों ऐसे चलता रहे और हमारे बच्चे इसी तरह यहाँ से खेलकर हमारे देश के लिए लड़े, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। ये गुरु रतन जी तो आगे लाके तो मिलेंगे। एक मिनट नेताजी, नेताजी, नेताजी एक मिनट।